देवी देवताओं का अपमान कब तक सहेगा हिंदुस्तान? जी, आवाज पूरे हिंदुस्तान में गूंज रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अमेज़न पर आरोप है कि उसने एक बार फिर से हिंदू भावनाओं को भड़काने का काम किया है, आहत किया है भावनाओं को, और इस बार तो सारी मर्यादाओं को अमेज़न ने तार तार कर दिया। ऐसा क्या किया अमेज़न ने, तो सुन लीजिए। हो सकता है ये खबर सुनकर आप भी हिंदुस्तान में अमेज़न बायकॉट की मांग में शामिल हो जाएं। विवाद है क्या, अब वो भी देख लीजिए। विवाद की वजह ये पेंटिंग है। इस पेंटिंग को हमने इसलिए धुंधला किया है क्योंकि ये बेहद अश्लील है। और ये पेंटिंग जानते हैं किसकी है? पेंटिंग है राधा और कृष्ण की, जो कि अश्लीलता से भरी हुई है, इसलिए हम आपको ये साफ साफ नहीं दिखा रहे हैं। आरोप है कि ये पेंटिंग बेच रहा था अमेज़न इंडिया। अब इस पेंटिंग को लेकर हिंदू संगठन बेहद नाराज हैं, और नाराजगी भी इस कदर कि सोशल मीडिया पर अमेज़न बायकॉट करने की मांग को लेकर ट्विटर पर बायकॉट अमेज़न काफी ट्रेंड कर रहा है। वहीं कई लोग लिख रहे हैं कि भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के अवसर पर इस तरह की पेंटिंग को पेश करना करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर चोट है। ट्विटर पर शेयर किया जा रहा है, लिखा जा रहा है कि मैं अमेज़न का बायकॉट करता हूं, और मैं सभी हिंदुओं से अपील करता हूं कि सभी अमेज़न इंडिया को बायकॉट करें। ये हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रहा है। देख लीजिए, ट्विटर पर तमाम इस तरह के ट्वीट आपको दिख जाएंगे। चलिए अब पूरे विवाद को भी समझ लीजिए। दरअसल अमेज़न इंडिया और एग्जॉटिक इंडिया में बिक रही इस पेंटिंग में भगवान कृष्ण और राधा को एक पेड़ के नीचे नंद अवस्था में दिखाया गया है। अमेज़न पर यह पेंटिंग गीता गोविंदा राधा कृष्ण इन फेस्टिवल लव नाम से बेची जा रही थी। वहीं हिंदुओं की भावनाओं के आहत करने के बाद जब विरोध की आग भड़कने लगी, तो अमेज़न और एक्सोटिक इंडिया दोनों ने ही इस पेंटिंग को साइट से तुरंत हटा लिया ताकि विवाद शांत हो जाए। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि लोगों ने अमेज़न के विरोध में हैशटैग भी चलाना शुरू कर दिए थे। वहीं इस विवाद के बीच एक्सोटिक इंडिया आर्ट ने अपना बयान जारी किया। उन्होंने लिखा कि ये हमारे संज्ञान में लाया गया है कि एक आपत्तिजनक तस्वीर को हमारी वेबसाइट पर अपलोड किया गया, हमने तुरंत ही इसे हटा दिया है। हम गंभीरता से माफी मांगते हैं, कृपया हमारा बायकॉट ना करें। हरे कृष्णा। आपको एक बार फिर से बता दे कि इस पेंटिंग को एक्सोटिक इंडिया की वेबसाइट पर भी बेचा जा रहा था। अजीब बात यह है कि वो भी जन्माष्टमी सेल के तहत बेचा जा रहा था। तो क्या वाकई में अमेज़न की इस हरकत की वजह से उसे बैन कर देना चाहिए? क्या होना चाहिए उसका बहिष्कार? और सवाल ये भी कि जब तक आर्थिक मार नहीं पड़ेगी, तब तक हिंदू विरोधी कंटेंट वाले सुधरेंगे नहीं? और हाँ, सबसे बड़ा सवाल जो आपके जहन में भी होना चाहिए, सवाल ये कि आपने किसी और धर्म के भगवानों के लिए आपत्तिजनक बयान, तस्वीरें या पोस्ट देखी हैं, तो फिर बार बार हिंदू देवी देवताओं को ही निशाना क्यों बनाया जाता है? जरा सोच कर देखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।